एक बूढ़ा है, मुझे एक लड़का एक लड़की है, तो लड़का को शादी कर दे रहे हैं, तो मुझे आवाज है। तो कुछ दिन बाद भैया को शादी कर रहे, भैया को शादी बहुत अच्छे घर है, बहुत पैसा वाले घर की शादी है। शादी मुझे भी तो जब और जब बूढ़ा रहेंगे और सामने आए पूजा पाठ करो, तो हम पूजा वूजा करें, नहीं जाएँ तो हम सकें मदद करें, सेवा करें, और सबको पानी भी खिलावें, मदद करें। महारानी मुझे बहुत खुश आते हैं, लेकिन उनको तो मौरिया रहे, वो महारानी को नहीं माना था। पूजा वूजा हो तो जाए ना, कहा जाते हैं पंचायत कर बोलो, जगह कहाँ जगह पंचायत कर बोल जाते हैं, जा बोलो कहें ना, नहीं महारानी हमारे कटी हो, हमने है कहा जान के साथ ही पूजा पाठ जाए, कुछ ना करें, मतलब बूढ़ा का माना ना कहीं पाऊँ। लेकिन महारानी की कृपा से ही धीरे धीरे बहुत गरीब हो गए, घर उनके बहुरिया के लक्षण देते महारानी के स्टाफ लगो जैसे, और घर उनकी बिटिया घर साधारण घर शादी किए, धीरे धीरे बहुत पैसा वाले उनकी बिटियों महारानी को माना थे, पूजा कराओ। एक बार उनके घर में शादी पड़ी बिटिया के घर में, जाए कहते हैं अपने आदमी से कि ऐसा है दीदी की शादी है, जाओ झूला वाला लेके जाओ, दीदी पैसा वाली ले गई हैं, खुद इन्हें लेंगे, यहाँ तो चिमनी आएगी गन्नी का है, बूढ़ा खाने का न जाने की उनके गलती से वो अपने सास का पोस है, तो उनकी जाओ लेके जाओ झूला वाला जाए लेने शादी में, खाली झूला बोरा को ये कैसे देखें। अब हुआ गए तो बहन के धन दौलत देखें, सोचे कि देवे करेंगे, लेकिन बहनों के घमंड आए बोला उनका भाई धन दौलत देख के जैसे, तो धीरे धीरे भगवानों का मानव कम करने को घमंड आए, तो भाई गए तो उनका देखे एकदम गंदा गंदा कपड़ा पहने, तो कहा कि जहाँ गौशाला रहा वहीं कम रहा, भाई तुम तुम्हें खाए रहो, शादी ब्याह का माहौल है, तुम कहाँ ले लूँ, वहीं बैठा हूँ भाई के रखे, मतलब खाना वाना जब हुआ तो कहाँ कि तुम बच्चे पूछे अपने भाई के कहा नहीं बताए बहनों, तो तुम बच्चा कहाँ कि जब बच्चा पूछा हो बुझा बुद्धू को दे दो, भाई के नाम बुद्धू रखे कहें जा बुद्धू को दे दो, बुद्धू का अपन चलो खा लें, तो उनका पेट भर जाए कौन तरह बच्चे तुमसे घर में, तो कुछ की नौबत है शादी ब्याह हुई बहुत तो बहनों कहें भैया शादी ब्याह हुई तो बहनों को कहें माँ, तो कहें कि अच्छा कहीं झोला ना कहे लाए हो, तो कहें कि अरे ऐसे में आए रहे सबसे पचास में कुछ लाई हुई लेकर आते हैं, अब क्या बताऊँ कि वहाँ हो जाए जबरदस्ती दी झोला खा ली, कुछ नहीं अपन चले गए जाए गए दर्शन गए थे, अगर अब जाते हैं मान मेरा घोषाई न दे कहिए तो खाली झोला बोरा वोरा सब दिए रहेंगे दीदी, हमको राशन पानी ले गए नहीं कुछ नहीं ले गए आए, अब बैठे रोवत हैं नहीं आसान में या बूढ़ा के रूप में आए एक पेट के नीचे रोवत हैं, कहें का हुआ बढ़िया कहे रोवत को मेरे का बताए माता, जाओ तुम जहाँ जाते हो माँ का कहीं नहीं बताओ शायद कुछ उपाय नहीं बताए, तो कहें कि अरे का बताई कहें जैसे ऐसे बताए कि हमारा बहन की पहले तरह आप हम दौलत देख के इतना घमंड होएगा कि हमका भाई नहीं पहचानी, उनका एक कमरों नहीं गौशाला हमको पाए नहीं ऐसे ऐसे बताएं पूरी कहानी अपन, तो कहें अच्छा वो देखो सामने बेल के पेड़, तो बेल के पेड़ से सारा बेल तोड़ ले और ये झोलम भर लो, तो कहें कि अरे बेल का कर बेल ले जाओ भाई खोपड़ी हमरे मार के तोड़ने और कहीं एक ले गया तुमसे कहा शहर, कहें नहीं तुम तोड़ो तो फिर बुजुर्ग नहीं तो उनके कहना माने तो उसे चार पाँच को बेल तोड़ लेना, तो झोलम रख ली बेमन से रखें और गए घर, तो उनके मेरा दौड़ के आए कि आए सोते नहीं बोरा वोरा आओ तो टांगा होगा तो देखे तो अपन झूल लटका है तो झोलम चार को बेल लिए चले आए, कहें कि कहो कुछ लई और नहीं आया, तो कहें कि कुछ नहीं बोले झोला चुपके गए दिन कहें झुलवा लो कहाँ, तो कहें वो आधार आ चुके थे मन से कहें बोले तो हमारे सोना चांदी पूरा आधार निकालत गए खत्मे ना हो, हमें लास्ट में तो पायल मिली, तो मतलब मेरा आरू कहें कि इतना दीदी दिन ये बड़ी खुश भाई, कहेंगे काल बोली बोला था कहें नहीं आओ देखो तो बेल के बजाय वो सोना चांदी निकालत जहाँ खत्म ना हो, महारानी की कृपा रही, तो मैं जब पायल देखे कहें कि पायल आउट हम लगे लेकिन पायल हम कर रहे कहें क्या कहें दीदी का देखा अपने, तो कहें कि अच्छा तो फिर कुछ दिन बाद अपने बहन का बनाए पायल अपने बहन का दिन है, पायल बहन के कहीं चले जब छन छन बजे सबका सुनाए, लेकिन उनके बहन का वो पायल में आवाज़ लगे जो बच्चा खुचा हो गुद्दू का जो बहन का ही सुनाए बाकी सबका पायल की आवाज़ सुनाए छन छन, तो बहन बड़ा मतलब टेंशन में आए कि ऐसे हम जो भाई का अपने कहा कि हमका पायल से आवाज़ सुना दें बड़ा टेंशन है, तो कहें कि क्या हुआ बहन कहे तो पायल पाएंगे खुश रहे ना, जैसे चले फिर रुक जाए बैठ जाए कहीं आवाज़ सुनाए, तो कहें कि नहीं हमारे आवाज़ हमका रिपीट हो गई पायल सुना दी कैसे, तो कहें काहे कहा सुना बहनों किसी आज बताएं भैया वो गए रहो ऐसे कहा थे वही पायल को आ जाओ, तो कहें कि पता नहीं तुमके माता ने कहीं माँ हम आसान भैया की मानत रहे कहीं माँ पर तो वो नहीं मानत रहे तो उनका आसान मैया दिए तो मैंने तक घमंड होएगा, ऐसा आसान मैया से माफ़ी मांगो, वो आसान मैया आए बूढ़ा के रूप में आए हैं
और हाँ बूढ़ा कहीं कहीं कि अगर हो जाए तो इंद्र का धन दौलत हो जाए तो हमारा श्याम भैया की पूजा कराओ। तो कहे हाँ, तो भी उनके आदमी कहें कहें कि हाँ हमसे तो क्या मिली रही, ऐसे कहें कहीं जगह तुम्हें सब हो जाए तो श्याम भैया की पूजा जरूर करा। तो वही बूढ़ा उनके सास मतलब बता रही कहीं कहें कि हम नहीं की पूजा करी थी, इनके चक्कर में जो पाठ बन कर दी, जागो बन कर दी, इनके चक्कर नाटक के चक्कर में, फिर महारानी पूजा कराएँ। तो महारानी पूजा कराएँ तो जो उनके बेटिया वो कहना मान मतलब महारानी से माफी उठी मांगी, कहीं कि महारानी हमसे दूर हो गए, हम पैसा घमंड में आ गए, अपनी चले लगे इलेक्शन से आवाज़ सुनाने लगी महारानी जैसे।